हाँ जी, सत श्रीकाल जी सारे ने, स्वागत थोड़ा लूसिड अकैडमी दे विच। हाँ जी दोस्तों, पंजाब गवर्नमेंट जी बहुत टाइम तो अनाउंसमेंट करती आ रही सी हूँ तक कि पंजाब पुलिस जी है पुलिस की भर्ती लैके आ रही है, कॉन्सटेबल की भर्ती लैके आ रही है। अच्छा साड़ी यही इंतजार की घड़ियाँ बेटा खत्म हो चुकी ने। पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल 1800 भर्ती लिए जो नोटिफिकेशन अज ही जारी हो चुका है। हाँ जी बेटा, असं इस वीडियो तुम दसागे कि तुम जो है ये अप्लाई करने डेट कि है, लास्ट डेट कि अप्लाई करने की। आप गल करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एज लिमिटेशन की है, साड़ी एग्जाम पैटर्न साडा की रहेगा, ठीक है, ये कि स्टेज साडा एग्जाम जो कंडक्ट होगा। हाँ जी बेटा, आप पहले आप गल कर देंगे जेडे इन्होंने रखी हैगी अप्लाई करने की जी मीति हैगी 14 मार्च 2024, जो कि शाम को 7 बजे शुरू होएगी। हाँ जी, उस तो बाद जो लास्ट डेट हैगी अप्लाई करने की, वो हैगी 4 अप्रैल 2024, जो कि 11:55 तक जी रहेगी। उस तो बाद थोड़ा कोई भी फार्म है अप्लाई नहीं होएगा। हाँ जी, उस तो बाद आप गल करते हैं जी 1800 पोस्ट आई ने बेटा, वो इन्होंने दो डिवाइड किया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के जिंकी पोस्ट आई है 970, ठीक है। उस तो बाद हैगा आर्म्ड पुलिस कैडर, ठीक है, जिंकी पोस्ट आनी है 776, दोनों मिला के बन गया कुल 1800। 1800 अपने को भर्ती जी है जी नोटिफिकेशन अपने को आ चुके हो। हाँ जी बेटा, उस तो बाद आप गल करा जी इन्होंने एलीजिबिलिटी रखी है, पहले आप गल कर रहे एज की, जी एज दसी गई है कि होनी चाहिए अपनी 18 तो लैके 28 साल के बीच बीच। कहते 1 जनवरी 2024 तो लैके जो थोड़ी एज हैगी, चाहे वह मेल है हो चाहे वह फीमेल है, वो कि होनी चाहिए हैगी 18 तो लैके 28 साल की थोड़ी जी उम्र है वो होनी चाहिए है। तो जी पे स्केल गल की इन्होंने 19,900 रुपया पर महीना थोड़ा ये दिता जाऊगा सरकार वालों। हाँ जी, अद्धे आप गल कर देंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जिद भी थोड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कॉन्सटेबल के लिए 12वीं पास थोड़ा होना चाहिए है। जो तुम एक्स सर्विसमैन ने अपलाई कर रहे हो तो थोड़ी जी क्वालिफिकेशन कि होनी चाहिए 10वीं पास थोड़ी वो होनी चाहिए है जी। उस तो बाद आप गल करेंगे बेटा ये जोड़ा केडर है फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया, हाइट में आप लैके आने मेल की गल करते फीमेल की गल करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट है वो जो आर्म्ड पुलिस में अप्लाई करना है तो थोड़ी जी हाइट है मेल की हैगी 5 फुट 7 इंच की है, तो फीमेल की रखी है 5 फुट 2 इंच की, ठीक है बेटा। उस तो बाद आप चलीए अगे, जो थोड़ा एग्जाम का पैटर्न है वो 3 स्टेज के कंडक्ट किया जाऊगा, पहली स्टेज, दूजी तो तीजी के, ठीक है। जो पहली स्टेज हैगी ये थोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे पेपर ए तो पेपर बी दोनों ही इनकलूड किए जाएंगे, जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है जी। उस तो बाद की होना थोड़ा, फिर तुम आओगे दूजी स्टेज के, जिद की है थोड़ा फिजिकल स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, तो ना थोड़ी की होगी फिजिकल मेयरमेंट, ठीक है। फिर तीजी स्टेज आ गई थोड़ी डॉक्यूमेंट्री स्क्रूटिनिटी आ जानी है थोड़ी, ठीक है जी। उस तो बाद आप गल करिए पहली स्टेज की रखा है यार कंप्यूटर बेस्ड अपना टेस्ट होना है, ये की कहें थोड़े 2 पेपर होने, पहला पेपर कहड़ा 100 क्वेश्चन का, हरेक पेपर का जोड़ा पासिंग जरा 100 नंबर पेपर हरेक जरा क्वेश्चन है 1 नंबर का होएगा अपने को, ठीक है जी। उस तो बाद गल करें पेपर बी की, हमने कहने पेपर बी कहते मैंडेटरी क्वालीफाइंग टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, हमने की कहते हैं जोड़े पेपर है कि करना मैंडेटरी हरेक लिए जरूरी है, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज पेपर नू पास करना जोड़ा कि 50 नंबर का होगा, तो वह भी जोड़ा 1 क्वेश्चन जरा 1 नंबर का होगा 50 नंबर का, मतलब कि 50 क्वेश्चन आने, ठीक है जी। जी भी तुम 25% लैना, मतलब कि 25 विचों 50 नंबर लैने जरूरी ने, यह हरेक लिए पास करना बहुत जरूरी है। जो थोड़ा ये पेपर पास होगा तो थोड़ी मैरिट बननी है पेपर ए के आधार पर ही बननी है थोड़ी अगर, फिर ठीक है जी। उस तो बाद गल करते हैं सिलेबस की, हम जो पेपर पहला गा वो सिलेबस की गल की इन्होंने, जो टाइम होगा 2 घंटिया का, ठीक है, मैक्सीमम मार्क्स किन्ने ने 100 का पेपर थोड़ा होना है, ठीक है। उस आऊगा GK 35 नंबर की आनी है, फिर आप गल करते हैं मैथ्स की क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल की, जो 20 नंबर का रहेगा थोड़ा, फिर आप गल करते हैं रीजनिंग की, ठीक है, जो थोड़ी होगी 20 नंबर की, ठीक है जी। उस तो बाद आप गल कर थोड़ी इंग्लिश की, वो भी है कि 10 नंबर का, पंजाबी थोड़ी 10 नंबर की रहेगी, तो कंप्यूटर होगा थोड़ा 5 नंबर का, ठीक है जी। होगा थोड़ा पहला पेपर, उदो आप गल करें दूजे पेपर की, जो टाइम कि अपने को सिर्फ घंटा का, तो क्वेश्चन किन्ने थोड़ू 50, एक की तुम 50 क्वेश्चन करोगे 25 नंबर लैने जरूरी, जो कि यह बहुत जरूरी है मैंडेटरी है, जो आप पुलिस की भर्ती मैट में आप जो आना है, जो अपना ये पेपर पास नहीं है तो अपन दूजे जो पहले पेपर का कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। उस तो बाद आप गल करा इतने, हाँ जी, फिर आऊगा थोड़ा स्टेज दूजी, ठीक है, जिद भी थोड़ा होगा फिजिकल स्क्रीनिंग एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੇਜ, ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਈ ਜੰਪ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਮਈਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਹੂਗਾ ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ 1150 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ 650 ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਈ ਡਬਲਯੂ ਐਸ, ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 650 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਲੂਸਿਡ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ 90-410-53-53-31, 90-410-53-31 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।